आईपीएल से अपर्णा कुमार को तेनजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह बतौर डीआईजी आईटीबीपी देहरादून सेक्टर में तैनात हैं। अपर्णा को यह पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया गया। बता दें कि यह अवार्ड एडवेंचर के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अपर्णा कुमार यह पुरस्कार पाने वाली देश की पहली आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पति संजय कुमार वर्तमान में सहारनपुर मंडल में कमिश्नर हैं। अपर्णा कुमार हाल ही में अलास्का में स्थित सर्वोच्च चोटी माउंट देनाली पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। वह सातों महाद्वीप के सर्वोच्च चोटियों पर भारत का झंडा लहराने वाली प्रथम पुलिस अधिकारी हैं। तो वहीं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भी वह प्रथम आईपीएस अधिकारी हैं। वन जीव जंतुओं की तस्करी में लिप्त लोगों की धरपकड़ में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स कुमाऊं पर क्षेत्र वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो तस्करी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से उन्होंने एक पेंगोलिन को बरामद किया है। दरअसल एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र को दिनेशपुर क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं की तस्करी की सूचना मिली थी। साथ ही वन्य जीवों की तस्करी की एक सूचना नई दिल्ली स्थित वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी दी गई है, जिस पर संयुक्त कार्रवाई में एसटीएफ और डब्ल्यूसीसीबी की टीम ने दिनेशपुर क्षेत्र में संयुक्त रूप से छापा मारा। इस दौरान दिनेशपुर जाफरपुर मोड़ पर एक कार में कुछ संदिग्ध की तलाशी लेने पर दुर्लभ प्रजाति का एक पेंगोलिन बरामद हुआ, जिसका वजन 15 किलोग्राम है। तो वही कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़े गए पेंगोलिन को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। टिहरी के नरेंद्र नगर में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने लोगों से जनसंपर्क किया और उनकी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। मनीष खंडूरी ने कहा कि भले ही वे 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन वे हमेशा लोगों की समस्याओं के लिए जूझ रहेंगे और उसके निराकरण जहां उन्हें बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने हरा दिया था। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जन विरोधी है। नहीं, अगर बीजेपी सरकार तो लागू करें। उत्तरकाशी के आरोकोट में केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की 7 सदस्यीय टीम ने आपातग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल 18 अगस्त को उत्तरकाशी जिले में हुए जल प्रलय में भारी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। तो वहीं प्रशासन ने भी सतर्कता दिखाते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 लोगों को दल निरीक्षण के लिए आपातग्रस्त लोगों की सहायता के लिए भेजा। कोंडागांव में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस स्मृति में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पहली बार कोंडागांव में ये आयोजन स्थानीय जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग कोंडागांव के संयुक्त प्रयास से किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद की छायाचित्र पर फूलमाला चढ़ाकर किया गया। उसके बाद ध्वजारोहण कर तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इसमें 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिलों से बालक बालिकाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे। राजधानी भोपाल के तलिया थाने में बदमाशों द्वारा गोलीबारी की घटना सामने आई है। वही घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी इरशाद वली और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले को समझाते हुए स्थिति को काबू में किया। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों फैजान और फरदीन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर खुद भी पहुंच गए हैं और पूरे मामले को एसपी खुद ही देख रहे हैं। राजधानी भोपाल का यह इलाका अति संवेदनशील क्षेत्र है। बलरामपुर जिले के सभी शासकीय कॉलेज में फैली अव्यवस्था को लेकर एबीवीपी छात्र संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ के कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के छात्र भी मौजूद रहे। इन सभी इस आंदोलन में शामिल रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने के बाद अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट को सौंपा और 7 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। छात्र संघ के कार्यकर्ता ने बताया कि जिले के किसी भी सरकारी कॉलेज में न तो छात्रावास है न ही शौचालय की व्यवस्था है, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई स्कूलों में छात्र अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ने को मजबूर। 4 दिन पहले हमने आपको कल्याणपुरा ब्लॉक में अव्यवस्थाओं की तस्वीर दिखाई थी। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की ऐसी ही तस्वीर इस बार राणापुर ब्लॉक से सामने आई है, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। अव्यवस्था का आलम यह है कि अब बच्चों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया है। बच्चों के इनकार की वजह लापरवाह सिस्टम की अनदेखी है, जिससे बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में संचालित बाल गृह में रहने वाले एक किशोर को आधी रात उल्टी दस्त की शिकायत पर जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान किशोर ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
इस मामले में जिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि किशोर की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया उसमें ऑक्सीजन कम थी, जो 10 मिनट के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद बीमार किशोर की मौत हो गई। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल मुंगेरी पहुंचे, जहां उन्हें नगद पेंशन योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कृषि उपज मंडी मुंगेल में 62,91,55,000 की 14 विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें से 30,06,73,000 रुपए की लागत से नव निर्मित 10 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। निलंबित पटवारियों और राजस्व निरीक्षक के बहाली सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारियों ने सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। गौरतलब है कि बीती 22 और 23 अगस्त को बलौदाबाजार भाटापारा जिले के डीएम ने कसडोल, भिलाईगढ़ और सिग्मा तहसील क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान डीएम ने अभिलेखों को मंगवाया था, लेकिन पटवारी अभिलेखों को लेकर मौके पर नहीं आए, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। सूरजपुर जिले के नाम नागरी के ग्रामीणों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया कि शासन के द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को कब्रिस्तान बनाने के लिए गलत तरीके से भूमि आवंटित की गई है। भूमि में सालों से ग्रामीणों के देवताओं के लिए देवस्थान बना हुआ है, जिसमें पूजा और सामाजिक विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, लेकिन यदि शासन द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के लिए उक्त भूमि पर कब्रिस्तान बनाया जाता है तो ये हिंदू समुदाय के लोगों के धर्म को आहत करना होगा। हरेली के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार के सूबे के पारंपरिक त्यौहार पोरा तीजा को बड़े ही व्यापक स्तर पर मना रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित सीएम निवास पर पोला पर्व मनाया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किए गए। छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार सीएम हाउस में साज सज्जा की गई। सूबे के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए। नंदी बैलों को भी सजाया गया। बता दें कि पहली बार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार को सीएम हाउस में इतने व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर 5 इनामी नक्सलियों में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सलियों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं। एसपी ने इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है।